हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो अब आया समझ में पंडित का असली मुद्दा। समर को बुलाना, किसी को भी बुलाना, राधिका की मम्मी को बुलाना, राधिका को किडनैप करने का मतलब है अच्छा और पैसा ऐंठना। वाह बुढ़े वाह, तुम्हारे पास एक ही काम रह गया है, बस पैसे हासिल करो। और तुम्हारी वो बेटी, उसको तो मन करता है ऐसे चप्पल जूते मारू ना कि वो एकदम पूरी सीधी हो जाएगी। तुम दोनों को तो पुलिस के हिरासत में दे देना चाहिए और निकलवाना ही नहीं चाहिए, खासकर तुमको पंडित। तुम किस हालत के, तुम किस मिट्टी के बने पंडित हो भगवान जाने। यहाँ पे तुम लोगों को लूटने में लगे हो, राधिका को वश में कर लिए हो और राधिका से जो तो तुम करवा रहे हो, उठो बैठो ये करो वो करो। अरे वाह भाई वाह, तुम ही से ये सब उम्मीद रख सकती हूँ। और यहाँ पे राधिका को अब जाके तुम छुपा दे रहे हो ताकि उसके घर वाले आए तो उन लोगों को पता चलेगा कि राधिका तुम्हारे पास नहीं है। मैं तो भाई समर से एक ही चीज़ कहूँगी कि पुलिस के पास जाए, पुलिस के पास जाकर तुम्हारा कंप्लेन करे। ये लोग पुलिस के पास जाकर कंप्लेन नहीं करते हैं इसलिए तुम बच जाते हो। तुमको तो इतने जूते चप्पलें लगनी चाहिए ना, और तुमको कम से कम 5 साल की सज़ा तो होनी चाहिए, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी बुढ़े। तुम बहुत बदमाश आदमी हो, तुमको तो कितने मार मारना चाहिए, हर एक लेडीज़ को पकड़ के तुमको मारना चाहिए, तब तुम ठंडे होगे। और यहाँ पे राधिका को तुम रखे हो किडनैप करके, एक एक करके सबको किडनैप करने में लगे हो। अब कौन बचा है? राधिका की मम्मी। राधिका की मम्मी को भी किडनैप कर लो, और सबसे बेस्ट गुनगुन के पापा को भी किडनैप कर लो। गुनगुन के पापा के पास ही बहुत सारे पैसे हैं, वो तो ऐसे भी टाटा बिल्ला है भाई। उनको पहले किडनैप करो, बाकी बाद में सबको किडनैप करना, क्योंकि समर तो फोकलेट है, समर के पास कुछ नहीं है देने के लिए। वो तो बेचारा किराए के घर में रहता है, ऊपर से अपने ससुरों के पैसे में पलता है, अभी तो अपनी सास के पैसे में पल रहा है, तो इसीलिए उसके बीवी को किडनैप करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। राधिका की मम्मी तुमको देगी उतना भी नहीं देगी, क्योंकि राधिका मम्मी 1 रुपया देने वाली नहीं है। जो देगा तुमको गुनगुन का पापा देगा, उसको तुम किडनैप करो, समझे? बेस्ट आइडिया तुमको मैंने दिया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है और ये किडनैप करने का सिलसिला कब तक चलता है। यहाँ तो ये लड़की जो अंकित की बीवी बनी फिर रही है, ये भी कोई कम नहीं है। तो चलिए, आज का ब्लॉग बना अच्छा लगा, प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।